आपको नीट निकालना है, आपको टीचर नहीं बनना, तो उसके लिए आपको हमारे जैसे अनपढ़ टीचर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिनको एनसीईआरटी के अलावा नहीं आता, कुछ नहीं आता, ठीक है। अब ये पन्ने रट लिए, हाँ आप जो नहीं रटे, हम सिर्फ एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं, अच्छा अच्छा जिन्होंने ट्रू में, अच्छा नहीं, एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स, हाँ तो बेटा एक बेसिक सर पढ़ा था एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स, हाँ हाँ अपने टाइम में सॉल्व भी किया है मैंने, क्या बात करते हो। और ट्रूमैन के पन्ने आपने, ट्रूमैन नहीं है, ट्रूमैन पढ़ा ही नहीं है। आप यार देखो सीधी सीधी बात है, एक चीज समझ जाओ, अज्ञानता परमानंद, ठीक है, आपको ये क्या करते हैं उसका कैम्पबेल पढ़ना है, ठीक है, कैम्पबेल बिल्कुल नहीं पढ़नी, नहीं नहीं अगर पढ़ना है तो आपके पास बहुत बहुत महारथी टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा देंगे, कैम्पबेल पढ़ा देंगे, टोटोरा डिक्शन पढ़ा देंगे, बेसिकली बेटा इन शॉर्ट हर बायो का कोई भी जो नीट टॉपर है, जो नहीं है, जो नीट की तैयारी कर रहा है, एवरी टीचर विल टेल यू दिस थिंग दैट एनसीईआरटी इज द की फॉर गेटिंग सक्सेसफुल इन कॉन्टेंट नॉलेज। कॉन्टेंट की नॉलेज जरूर होनी चाहिए टीचर को, केवल उतना ज्ञान जो एनसीईआरटी में चार लाइनें लिखी हैं उससे काम नहीं चलेगा जी। जब आप पढ़ाने बैठे हैं बच्चे को, आप आई पढ़ा रहे हैं, ईयर पढ़ा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं, यदि आपने स्वयं उस विषय को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे भी आगे एमफिल पीएचडी तक आपने स्वयं पढ़ा है, तब आपको कोई बेहतर बात पढ़ा पाएगा। आपने जब कभी मेरे रिप्रोडक्शन के लेक्चर्स अटेंड करे, मैंने आपको कितने बेहतर तरीके से समझाया था कि बायपेडलिज्म लोकोमोशन ने ह्यूमंस में इमोशंस कैसे इवॉल्व करे, आई टू आई कॉन्टेक्ट हो जाने से किस प्रकार ह्यूमंस में इमोशंस आए। ह्यूमंस आर द ओनली एनिमल्स जो फ्रंटल मेटिंग करते हैं क्योंकि वो बायपेडल हैं, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स द जेनिटेलियाज आर फेसिंग, क्यों फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स मेल के लिए ह्यूमंस में सेक्सुअली अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जेनिटेलिया के चारों तरफ ही हेयर क्यों है, बाल जो है वो सिर्फ आर्मपिट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास ही क्यों है, राइट, बाकी शरीर से बाल क्यों कम हुए, सिर के बाल क्यों नहीं उड़ गए इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, एप्स में बाल ज्यादा है ह्यूमंस में कम क्यों है, व्हाई कांट दीज बीडीएस पीपल टीच यू ऑल दीज थिंग्स। द प्रॉब्लम इज कभी कोई किताब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की खोल के पढ़ी ही नहीं, कभी कोई इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिप्रोडक्शन, कभी कोई जॉनसन एंड एवरेट, नोबल एंड नील, किसी किताब के नाम तक नहीं पता है, क्या पता है एनसीईआरटी, ट्रूमैन की बायोलॉजी, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, एमटीजी पब्लिकेशन। सो दिस इज वेयर द रोल ऑफ अ गुरु कम्स, जो आपके अंदर सब्जेक्ट को लेकर के एक इंटरेस्ट डेवलप कर पाए, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। एग्री करेंगे इस बात से, कॉन्टेंट नॉलेज बहुत मैटर करती है।